मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी स्टार्ट विथ अवर ऑनलाइन क्लासेस एंड वी स्टार्ट विथ अवर सब्जेक्ट ईएनवी। सो वी स्टार्ट विथ अवर वर्कबुक पार्ट। ओके, इन प्रीवियस लेक्चर स्टूडेंट वी कंप्लीटेड अवर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 4, छोटूस हाउस। ओके, इन दिस चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड अवर क्वेश्चन आंसर्स। Student, I made you to left the fourth one question. Now today you have to complete this fourth one question and then we start with our new chapter. Okay? How is your home? How is your house decorated on the occasion of marriage? जब आपके घर पे कोई भी मैरिज होता है तब उस टाइम पे आप आपके घर को किस तरह डेकोरेट करते हो वो बताना है. Okay? So, hangings made from Ashoka leaves. Glasses, plastics are tied to the entrance of the house. Okay. Second is various type of lighting done on the walls. Clear, student? Okay. Clear? Again, I am repeating this. Hangings made from Ashoka leaves. यानि आपके घर में आपने देखा होगा जब ये शादी वाला घर में अगर कोई भी हमारा फंक्शन हो तो आपके घर का जो गेट होता है वहाँ पे लीव्स आपकी मम्मा लगाती है. देन ग्लासेस प्लास्टिक, कभी कोई चीज़ ग्लासेस से डेकोरेट की जा ही रहती है या तो कोई प्लास्टिक से डेकोरेट की जा ही रहती है. आर टायर्ड टू द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, आपके घर का जो मेन एंट्रेंस होता है वहाँ पर डेकोरेट किया रहता है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज वेरियस टाइप ऑफ लाइटिंग डन ऑन दी वॉल्स. दीवार भी पूरी लाइटिंग से सजी हुई रहती है. मोस्ट ऑफ रात को हमें ये सारी चीज़ देखने को मिलती है. ओके, सो दिस वन इज अवर फोर्थ वन क्वेश्चन आंसर. नाउ कम टू द पेज नंबर 40. पेज नंबर 40, हियर यू हैव सम क्वेश्चन, सम एमसीक्यूज ओवर देयर. ओके, फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ अ हाउस. So you have to tick on yard. Second, during which of the following festival is the house usually not decorated? Is second one Holi, Dhuleti. Okay. Third, which of the following animals stay in your house with your permission? Is dog, number D, dog. Okay. Then next is fourth one. What is useful to sweep household garbage? Answer is broom, number A. Last, number fifth. Which is the festival when the whole area is decorated and the pot of curds is broken? Answer is Janmashtami. Okay. Now student, whether you have completed or not completed, then also if you have completed this MCQ, well and good. Not completed, then do again. I am made you to write now. Okay, so student, complete this MCQs and I gave you the homework of this page number 239. मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी स्टूडेंट्स, एनिमल्स की पिक्चर लगाने के लिए जो आपके घर पे परमिशन और विदाउट परमिशन आपके घर में रहते हैं, तो उनकी आपको पिक्चर लगाने के लिए यहाँ पे मैंने बोला था. ओके, जो आपको आपके वो वाली बुक में करनी थी, प्रोजेक्ट बुक में. ओके स्टूडेंट, नाउ व्हाट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक इज, सबसे पहले आपको हार्ड वर्ड्स करने हैं, फिर मैंने आपको एक हाउस बनाने के लिए भी बोला था. ओके, तो आपको एक हाउस बनाना था. देन यू डोंट हैव टू राइट द एमसीक्यूज, आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है स्टूडेंट. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. देन मैच द फॉलोइंग. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स एंड मैच द फॉलोइंग. आपको ये ट्रू और फॉल्स नहीं लिखना है. फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग और दिस 14 क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू राइट. ओके, एंड नेक्स्ट इज ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स. ओके, नेक्स्ट इज ब्रीफ क्वेश्चन आंसर्स विच यू हैव 4. Okay students, so you have to write these 4 brief question answers also. So what things you have to write in your notebook is hard words, fill in the blanks, match the following, short question answers and brief question answers. Clear student? That's it.
आपको बस इतना ही करना है और कोई क्वेश्चन आंसर्स आपको नहीं लिखने हैं, ओके। सिर्फ आपको ये 14 जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है वन और टू सेंटेंस वाले उसे कंप्लीट करना है, और ये 6 नंबर की जो एक्सरसाइज है ब्रीफ क्वेश्चन आंसर उसे आपको कंप्लीट करना है। क्लियर? नाउ टेक आउट योर साइंस टेक्स्ट बुक। साइंस टेक्स्ट बुक पेज नंबर 32। साइंस टेक्स्ट बुक ENV टेक्स्ट बुक सॉरी एंड पेज नंबर 32। पेज नंबर 32। क्लियर स्टूडेंट? न्यू चैप्टर आवर फर्स्ट स्कूल इज होम। चैप्टर फिफ्थ आवर फर्स्ट स्कूल इज होम। नाउ स्टूडेंट, अब फर्स्ट स्कूल होम इसका मतलब क्या होता है? यानी हमारा जो पहला जो स्कूल होता है वो हमारा घर होता है, ओके। जहाँ से आप सारी चीज़ें सीखते हो वो कहाँ से आप सीखते हो? आपकी फर्स्ट स्कूल कौन सी होती है? आपका खुद का घर। क्योंकि आप जब छोटे होते हो, छोटे से बड़े जब ग्रो होते हो, तो जो भी सारी चीज़ आप सीखते हो सारी चीज़ आप कहाँ पर सीखते हो? आपके घर में सीखते हो। सबसे पहले आपको गाइडेंस कहाँ से मिलता है? आपके घर से मिलता है, ओके। जैसे आपकी मम्मा, आपके पापा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, दे आर ऑल टीचिंग यू हाउ टू डू एनीथिंग और हाउ टू टॉक, ओके, हाउ टू वॉक, ओके स्टूडेंट। ऑल द मैनर्स, ऑल दिस थिंग फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग फ्रॉम इन योर होम, ओके। आप सारी डिसिप्लिन हो गया, गुड मैनर्स हो गए, ओके। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप कहाँ से सीखते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आप आपके घर से सीखते हो, ओके। तो वो एक वन टाइप ऑफ आपकी स्कूल हो गई, क्योंकि हम स्कूल में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सीखने आते हो आप स्कूल में सारी चीज़ें। तो उसी तरीके से आप आपके घर में से, सबसे पहले आप आपके खुद के घर से ये सारी चीज़ें सीखते हो, ओके। सो टुडे दिस ऑल थिंग इज अबाउट अवर होम, वॉट थिंग्स यू आर गेटिंग फ्रॉम इन योर होम, ओके। तो ये हम ये चैप्टर में देखेंगे कि आप कैसे आपके घर से सारी चीज़ें सीखते हो, ओके। सो फर्स्ट, अवर होम इज अवर फर्स्ट स्कूल एज इट इज़। जैसे मैंने आपको समझाया कि जो हमारा घर है वही हमारा सबसे पहली स्कूल है। मेंबर्स ऑफ होम्स आर अवर फैमिली। जो आपके घर में जो आपके मेंबर्स है वो कौन है? वो आपकी फैमिली है। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम अवर फैमिली मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। आप जो भी चीज़ लर्न करते हो वो सारी चीज़ें कहाँ से लर्न करते हो? पहले आपके फैमिली से, फिर आप कहीं और से सारी चीज़ें सीखते हो, बट सबसे पहले आप सारी चीज़ें कहाँ से सीखते हो? आपकी फैमिली से, ओके। दिस इज बिकॉज वी आर सो क्लोज टू अवर फैमिली। और ये चीज़ क्यों होती है? क्योंकि आप सबसे ज़्यादा क्लोज किससे होते हो? आपकी फैमिली से। लेट अस थिंक अबाउट अवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। अब इसमें क्या बताया गया है स्टूडेंट, कि अब हम डिस्कस करेंगे हमारे फैमिली के बारे में और हम कैसे उनसे सारी चीज़ें सीखते हैं, वो हम मैं आपको अभी ये चैप्टर में समझाऊंगी, ओके। नाउ स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ हमारी फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं? कुछ फैमिली में 4 मेंबर्स होते हैं, उनके मम्मी पापा और वो और उनके भाई बहन जो होते हैं, वो हमारी स्मॉल फैमिली हो जाती है, ओके। तो अगर ये स्मॉल फैमिली होती है तो आप ये स्मॉल फैमिली में से ज़्यादा जल्दी आप कोई भी चीज़ सीख लेते हो। जॉइंट फैमिली में भी अच्छे से आप सारी चीज़ें क्रैप करते हो, यानी सीखते हो, आपको सब अलग अलग सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं? सबसे पहले हम हमारे घर से सीखते हैं, ओके। किसी से बात करना, किसी से मैनर्स कैसे होती है, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, वो सारी चीज़ें आप कहाँ से सीखते हो? पहले आपके घर से सीखते हो। फर्स्ट जब आप स्कूल में जाते हो तो आपको कोई भी चीज़ आपसे पूछे कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, तो ये सारी चीज़ अगर आपसे पूछे तो ये सारी चीज़ भी आपको कौन सिखाता है? आपकी फैमिली आपको सिखाती है, ओके। जब आप एकदम छोटे से होते हो और छोटे से बड़े होते हो तब तक की जो सारी चीज़ें होती है वो आपको कौन सिखाता है? आपकी फैमिली।
और फैमिली मेंबर्स कहाँ होते हैं? आपके घर में, यानी होम, ओके, हमारे घर में। इसलिए इसमें कहा गया है कि जो हमारी स्कूल है, स्कूल यानी जहाँ से आप सारी चीज़ें सीखते हो, तो इसमें ये चैप्टर में बताया गया है कि जो आपकी स्कूल है वो सबसे पहले कौन सी है, वो आपकी घर है, ओके। आपके घर में से सारी चीज़ें आप सीखते हो, फिर आप स्कूल में आके, सेकेंड स्टेप इज योर स्कूल, जब आप स्कूल में आके सीखते हो, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट, द चाइल्ड स्टार्ट टू लर्न द क्वालिटीज ऑफ टुगेदरनेस फ्रॉम द होम। हम हमारी जो भी क्वालिटी होती है, यानी आप अच्छे से बात करते हो, किसी से नहीं बात करते हो, रूडली बात करते हो, किसी के साथ बैठते हो जल्दी, नहीं बैठते हो, बात करते हो, तो ये सारी जो चीज़ें एक टुगेदरनेस होती है, ओके। तो ये क्वालिटी एंड टुगेदरनेस ये हम कहाँ से सीखते हैं? आप आपके घर से सीखते हो, आपके फैमिली से सीखते हो, ओके। एट होम अ चाइल्ड लर्न टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स एंड ओबे देयर कमांड्स। एक छोटा सा जो बच्चा होता है वो कहाँ से ये जो बात रिस्पेक्ट करनी होती है, बात सुननी होती है बड़ों की, तो वो हम कहाँ से सीखते हैं? हमारे फैमिली मेंबर से सीखते हैं, ओके। आपकी मम्मा आपको सिखाती है, तो बड़े से हमें किस तरीके से बात करना है, हमें उनकी बात सुननी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी मम्मा समझाती है और आपको कहती भी है कि आपको कोई भी बड़े आ जाए तो आपको उनके सामने नहीं बोलना है, ओके। आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं, आर्ग्यूमेंट्स यानी सामने नहीं बोलना है, सामने रिप्लाई नहीं देना है, अच्छे से बात करनी है उनसे। तो ये सारी चीज़ भी हमें कौन सिखाती है? वो हमें हमारे घर से ही हमें ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। द फीलिंग ऑफ बींग हेल्पफुल टू वन अनदर इज नेचुरल इन द होम इटसेल्फ। अब जब आप किसी को मदद करते हो, आप एक हेल्पफुल इंसान बनते हो, तो वो आपको कैसे पता चलता है? ये सारी चीज़ भी आप आपके घर से ही सीखते हो, ओके। आपकी मम्मा या फिर आपके पापा हो गए, ग्रैंडपा ग्रैंडमा जो भी आपके घर में है, वो आपको सिखाते होंगे कि आपको हर किसी की मदद करनी चाहिए, ओके, एक हेल्पफुल पर्सन बनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ भी हम कहाँ से सीखते हैं? घर से सीखते हैं, ओके। Then next thing is the home is the school of family culture. Before a child takes admission in a proper school, it's learned many lessons from the home school. Now student, एक छोटा सा जो child होता है वो school में admission लेने से पहले वो कहाँ पर सारी चीज़ें ये सीखता है? वो उसके घर में सीखता है। ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट, ब्रदर एंड सिस्टर मेक अप अ फैमिली। ना फैमिली हम किसे कहते हैं? जहाँ पे आपके ग्रैंडपा, ग्रैंडमदर, मम्मा पापा, अंकल आंट, ओके, आपके कजिन्स, ये सारे जन आपके साथ रहते हो, उसको हम क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। द फैमिली इन विच देर आर अ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड वन और अ टू चाइल्ड इज नोन एज स्मॉल फैमिली एंड अ हैप्पी फैमिली। जैसे कि मैंने आपको बताया, जहाँ पे आपकी मम्मी पापा, ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स और आप और आपकी सिस्टर या तो फिर आपके ब्रदर, जब इतने जन हो तो उसे हम स्मॉल फैमिली कहते हैं और क्या कहते हैं? हैप्पी फैमिली। इफ द फैमिली स्मॉल द नीड्स ऑफ ईच मेंबर कैन बी सेटिस्फाइड एंड एवरीवन कैन लीव पीसफुल एंड हैप्पीली। अगर छोटी फैमिली हो, यानी इस तरीके से मेंबर हो, द ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और आप और आपकी सिस्टर या तो ब्रदर हो, तो उसे हम एक हैप्पीली फैमिली कहते हैं और सेटिस्फाइड नीड होता है, यानी जिसको जो भी चीज़ चाहिए होती है उन्हें वो चीज़ इक्वली मिल सकती है, ओके, और एक पीसफुल हैप्पी फैमिली कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट, व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट दिस चैप्टर? ओके, अवर फर्स्ट स्कूल होम, यानी हमारा जो पहली जो स्कूल होती है वो कौन सी होती है? वो आपका घर होता है, जहाँ से आपको सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, ओके, क्लियर। विदाउट नोइंग ऑल दिस थिंग, पहले ही आपको अगर ये कुछ पता ना हो और आप डायरेक्टली स्कूल में जा सकते हो, नहीं, आपको आपका नाम, ओके, आपके फैमिली मेंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत भी आपको आपकी मम्मा आपको सिखाती है, ताकि आप स्कूल में जाते हो एडमिशन के लिए, तो फर्स्ट आपको पूछा जाता है कि आपके आपका नाम क्या है, आपका आपकी मदर का नेम, देन फादर, ब्रदर, सिस्टर, एनीथिंग, फैमिली मेंबर्स के रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये क्यों पूछते हैं स्टूडेंट? ताकि आपको ये सारी चीज़ पता है कि नहीं है, वो
देखने के लिए आपसे ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। और ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखाता है? आपके घर में, हमारे घर में हमारे पेरेंट्स ही हमें ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? हमारा फर्स्ट स्कूल कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट?